तीनों गांवों में बिल्कुल पानी नहीं है। मानपुरा में 1 लाख लीटर की टंकी बनी हुई है, उसमें आज 2 साल से लगभग। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारे तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। हमारे पानी की समस्या है, बिसलपुर की जो लाइन आई हुई है भवानीखेड़ा टंकी में कल्याणीपुरा सेकंड से और किशनगढ़ ऑफिस है इनका, एरन साहब, एक्शन साहब वहीं बैठते हैं, एन साहब, जैन साहब वहीं बैठते हैं और हमने भार्गव साहब एडिशनल ऑफिस में यहाँ आके शिकायत दर्ज कराई है। हमारे 7 सालों से बिसलपुर पानी की बड़ी भयंकर समस्या है और हमारे को रेगुलर कभी इन्होंने पानी नहीं दिया और पानी की इतनी समस्या है कि हम पानी के लिए 200-250 आदमी गांव से आए हैं और हमारे को बड़ी परेशानी है कि हम हमारे बच्चों को और जो हमारे पशु हैं उनको कहां से पानी पिलाए हैं। पानी की बड़ी समस्या है और जो जेलार टंकी बनी हुई है बड़ी वाली, उस टंकी की आज 7 सालों में इन्होंने सफाई नहीं की है और बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और टंकी की पेड़ियाँ टूटी हुई है और टंकी से जो 3 गाँवों में सप्लाई होता है, पहला गांव है भवानीखेड़ा, दूसरा गांव है टिडाणा, तीसरा गांव है मानपुरा, तीनों गांवों में बिल्कुल पानी नहीं है। मानपुरा में 1 लाख लीटर की टंकी बनी हुई है, उसमें आज 2 साल से लगभग इन्होंने बिल्कुल पानी नहीं दिया है और टिडाणा के अंदर एक छोटी सी टंकी बनी हुई है, इसमें भी 7 सालों से परेशानी भोग रहे हैं, उसमें भी टंकी में पानी नहीं आ रहा है, टंकियां जर्जर हो गई हैं बिना पानी के कारण, और जो जेलार टंकी बनी हुई है ऊपर वाली उसमें पानी नहीं आने के कारण वो भी टंकी जर्जर हो रही है और बड़ी वाली टंकी की पेड़ियां टूटी हुई है और कोई हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बहुत उन्होंने हमारी गांव वालों ने कोशिश की है, हम जो भी है सरपंच के द्वारा भी यहाँ पे लेटर भेजा हुआ है, MP साहब के द्वारा भी, क्या करोगे अगर सुनवाई नहीं होती तो? अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, MP साहब ने भी यहाँ पे इन्होंने अवगत करवा दिया 10-15 बार और MLA साहब सुरेश सिंह जी रावत साहब ने भी पानी के लिए अवगत करवा दिया, फिर भी ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब अगर सुनवाई नहीं करेंगे तो हम कलेक्टर में जा कलेक्टर ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड जाम करेंगे। नाम बताइए आपका? नाम है मेरा नंदाराम चौधरी, श्रीनगर उप प्रधान और मैं नरवर पंचायत से बिलोंग हूँ। हमारे को पानी की समस्या है सर, पानी के लिए हम गांव वाले इतने परेशान हो रहे हैं सर, 7 साल हो गए मेरे, पानी की लाइन तो डली लेकिन पानी कभी नहीं आ पा रहा है। भवानीखेड़ा में पानी आता है वो भी 10 से 15 मिनट के लिए आता है, मानपुरा और टिडाणा की डाणी में पानी आता ही नहीं है सर। आता है बोलते हैं पानी आ रहा है, कंप्लेन करते हैं, 1 महीना में 1 बार देते हैं, वो 5 मिनट के लिए देते हैं, पानी का लोटा नहीं भरा जब तक पानी बंद हो जाते हैं सर। कंप्लेन करने के बावजूद हमें झूठा आश्वासन दे के बोलते थे आ जाएगा पानी, लेकिन कभी ऐसा पानी नहीं आया सर। अब क्या समय का बांध ऊपर हो चुका है तो अब आगे क्या देगा सर? अगर ऐसी स्थिति में रहेगी सर, हम MLA साहब के पास भी गए हैं, सांसद साहब के पास भी गए, अब नहीं होगा तो कलेक्टर साहब के पास जाके और धरना प्रदर्शन करेंगे साहब। नाम मेरा नाम मुकेश रावत है, भवानीखेड़ा टिडाणा की डाणी का निवासी हूँ मैं।